जय हिंद दोस्तों, मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन अरगन चेन्नई से। दोस्तों, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा था कि स्पर्श आने के बाद सबके लिए परेशान होगा। आप समझ लो कि स्पर्श ऑलमोस्ट आ गया है। जब तक हम उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो ये स्पर्श वापस नहीं जाएगा। दोस्तों, मैं स्पर्श के खिलाफ क्यों है? क्या मैं नहीं कर सकता हूं स्पर्श में, मतलब माइग्रेशन का काम मैं अपना नहीं कर सकता हूं? मैं अपना कर सकता हूं, लेकिन मैं उन लोगों के लिए आवाज उठा रहा हूं जो दूर दराज में रहने वाले हैं, हमारे जो बुजुर्ग पेंशनर, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो हमारे फैमिली पेंशनर्स बहुत कम पढ़े लिखे और ऐसे रिमोट एरिया में रहने वाले हैं। दोस्तों, ये ऐसे फौजी हैं जिन्होंने असली लड़ाई देखा। मैं जानता हूं जितने भी लोग हैं 2006 के बाद जो रिटायर हुआ है, उन लोगों ने बहुत कम वार लाइक सिचुएशन देखा है। लेकिन जो पेंशनर बुजुर्ग है, जिन्होंने दो दो तीन तीन लड़ाई जो लड़ा है, उनके बारे में कोई सोचता नहीं है। मैं इसलिए जो है, क्योंकि फौज में कहते हैं ना, नाम नमक निशान। जिस फौज का हमने नमक खाया है, चलो हमें तो मौका नहीं मिला जंग में भाग लेने का, लेकिन अभी भी मैं ये सोच रहा हूं कि जो मैं काम कर रहा हूं ये भी एक तरह का जंग हो गया। अभी दोस्तों, मैं हिमाचल का प्रोग्राम क्यों स्टार्ट किया, क्यों मैं इतना मतलब सीरियस प्रोग्राम बनाया एक महीने का, जरूरत पड़ने पर मैं और भी एक्सटेंड करूंगा, क्योंकि कुछ हमारे पेंशनर्स का जो है क्वेरीज था। जब उस क्वेरीज के पीछे में जब मैं काम करना शुरू किया, धीरे 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 मेरे को इतना मेरे पास जो है इंफॉर्मेशन आ गया था और खुद ही मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू किया, मैं हैरान हो गया। सबसे पहले मैंने देखा था शिमला डीपीडीओ, जहां से 500 लोगों से ऊपर जो है जिनका अरियस बाकी है। फिर वहां से फिर हमीरपुर चेक किया, फिर हमीरपुर से पालमपुर चेक किया, फिर जैसे जैसे मैं वीडियो निकालता गया और भी जगह से लोग क्वेरीज पूछने लगे। इसमें जो है एक हमारे दलबीर सिंह गढ़वाल, जिसको डीएस गढ़वाल के नाम से जानते लोग, उन्होंने कुछ पेंशन इश्यूज भेजा था। फिर वहां से मैंने उना का भी चेक किया, मेरे को एक दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा मैं 100 एंट्रीज चेक कर सकता हूं, और उस टाइम भी कोई टेलीफोन नहीं आना चाहिए, यूट्यूब का प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज भी है। इसके अलावा और भी मेरा पेंशन का काम है। तो जब मैंने उना का पूरा लिस्ट जब मैंने रेडी करना स्टार्ट किया 2006 से लेके 2016 जनवरी तक का, अभी मैंने लिस्ट जो निकाला है, तकरीबन 700 लोगों का एंट्रीज मैंने चेक किया, जिसमें जो है 200 लोग अभी जिंदा नहीं है, बाकी 500 में सिविलियंस रिजर्विस्ट और जिनको मिल गया था वो भी मैंने माइनस करके बाकी लिस्ट निकाला था। तकरीबन 435 लोगों का जो है मेरे पास अभी लिस्ट है। सिपाही कितने हैं उसमें? सिपाही 180, नायक 110, हवलदार 80, ऑनरी नायब सूबेदार 40, सूबेदार
सूबेदार मेजर, सॉरी सूबेदार 15, सूबेदार मेजर 2 और आर्मी लेफ्टिनेंट 6, आर्मी कैप्टन 4, इतने लोगों का जो है अरियस बाकी है। दोस्तों ऐसे मतलब जो पेंशन के बारे में जो जानता है ना, अगर वो देखेगा तो हैरान हो जाएगा। रैंक दिया हुआ है नायक ग्रुप डी, नौकरी है 16 साल का और पेंशन कितना दे रहे हैं अभी 9000 जो मिनिमम पेंशन है। जब मैंने ये पूरा 2014 से लेके जब मैंने चेक किया था क्यों कम कैसे आ रहा, 2016 तक उसको दिया था 5520 जो एक एनहांस्ड फैमिली पेंशनर का था, फिर उसी टाइम जब वन रैंक वन पेंशन निकला था तो वन रैंक वन पेंशन में उसको देना चाहिए था 7170, लेकिन वो नहीं दिया, सिर्फ 5520 देते गए। फिर सेवंथ पे कमीशन में उसी का 2.57 से मल्टीप्लाई करके 14542 दिया। फिर उसके बाद जैसे एनहांस्ड फैमिली पेंशन पीरियड खत्म हुआ 14542 से सीधा लेके आ गया 9000। मैं एक सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूं किस तरह वो गलती किया। ऐसे बहुत लोग हैं जिनका जो है सिपाही को दे रहे 9000 जिनको मिलना चाहिए 10278। वन रैंक वन पेंशन जो है एक 2014 जुलाई से लेके 2015 दिसंबर तक का जो हस्बैंड का जो वन रैंक वन पेंशन का जो पैसा है वो दिया ही नहीं फैमिली को। ये सारी चीज जो है मैंने ये कभी जो भी बता रहा हूं सिर्फ एक डीपीडीओ का बता रहा हूं, सिर्फ एक डीपीडीओ का। इसके बाद हमें मेरा नेक्स्ट गुना के बाद मेरा प्रोग्राम है वहां से पालमपुर, मैं पालमपुर का भी लिस्ट मैं बताऊंगा कितने लोगों का कैसे बाकी। तो ये मेरा वीडियो निकालने का या मेरा प्रोग्राम बताने का वजह इसलिए है, अभी उना से जो 2-3 लोग हैं जो हमारे लिए मदद कर रहे हैं वहीं उधर वहां के लोगों के लिए, लेकिन मैं उन लोग सारे उना की जो है एक्स सर्विसमैन संगठन और जो भी एक्स सर्विसमैन है मैं सबसे अनुरोध करता हूं आप भी हमारे मदद करो। हमारे लिए जो रहने का बंदोबस्त जो है हमारे गढ़वाल साहब ने सैनिक गेस्ट हाउस में 4 दिन के लिए किया है, हम किसी के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे। आप जो है जहां से भी हो ऊना डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप कृपया करके मेरे से संपर्क करना, क्या पता कि आपके गांव से आपके परिवारों में से किसी का मदद किसी का जो है अरियर रह गया होगा, आप मदद कर सकते हैं अपने लोगों को। इतना सोचो कि एक बंदा इतने साल की उम्र में चेन्नई से हिमाचल आ सकता है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं कवर कर सकते 20-25 किलोमीटर दूर। दोस्तों मेरे पास लोगों का नाम डीपीडीओ का नंबर रैंक सब कुछ है, मेरे पास क्या नहीं है वो कहां रहते हैं हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, इसके बारे में मैं जानता हूं डीपीडीओ वाला नहीं बताएगा। यहां तक कि हमारे जो मित्र है जो सैनिक जिला सैनिक बोर्ड में जाके मदद मांगा लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया, वो गलती उनका नहीं है क्योंकि जो नाम हम पेंशन अदालत या कह रहे हैं वो गलत है। पेंशन अदालत वो CDA या PCDA करता है और इतने साल में PCDA ने क्या किया है इसके बारे में कोई नहीं जानता। जो काम हम यहां बैठ के जब कर रहे हैं
यही काम अगर पीसीडीए वाले ने ठीक ढंग से किया होता तो और भी 200 पेंशनर का काम हो जाता है। ये ऑनलाइन ऐप सुविधा में 40 लोगों का जो बता रहा हूं, ये लोग जो है 2006 से लेकर 2016 के बीच में इनका मृत्यु हुआ। सर्कुलर कब निकला? 2020 में। अब उनके परिवार को, परिवार वालों को तो इसके बारे में ज्ञान नहीं है, इसीलिए जो है वो कोई आगे नहीं आते। और देना किसका है, किसका काम है देना? डीपीडीओ का। और उनके पास इतना टाइम नहीं है ये सब चेक करके लोगों का जो है अरियस देने का। इसलिए जो है हम ये जो है ये सवाल उठा, ये जो मतलब सवाल हमने किया था, आप क्यों नहीं दे रहे? कहते कि हमने सबको दे दिया, हमारे पास कोई काम पेंडिंग नहीं है। दोस्तों ये जो काम हमने जो अभी अंडरटेक किया है ये इतना आसान काम नहीं है। जब तक लोकल वेटरन्स का हेल्प मदद नहीं मिलेगा तब तक हम ये काम सही ढंग से नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी पेंशनर है सबसे ज्यादा पीड़ित लोग 70 साल से ऊपर की एज के हैं। एवरेज 75 ईयर्स से 80 साल के अंदर के लोग हैं। अगर उनको अगर कुछ हो जाता तो वो पैसा गया। इसलिए मैं बार बार अपना हिमाचल प्रोग्राम के बारे में बता रहा हूं। मैं आप लोग मदद कीजिए प्लीज। जो भी जितने भी ऊना के एक्स सर्विसमैन है वो अपने एरिया में जो भी डीपीडीओ से पेंशन ले रहा उनको बता दीजिए कि सितंबर 8, 9, 10, 11 चार दिन जो है हम सैनिक गेस्ट हाउस में रहेंगे और डीपीडीओ में जाके बात भी करेंगे, क्योंकि हम तो हमारे पास तीन ऑप्शन पड़ा है। सबसे पहला ऑप्शन हम डीपीडीओ में जाके बात करेंगे, अगर वो नहीं माना तो अभी आप सबको मालूम है हिमाचल का इलेक्शन आने वाला है, जो भी लिस्ट है हम प्रूफ के साथ जो है अपोजिशन पार्टी को दे देंगे। ये पॉलिटिकल इश्यू बन जाएगा, फिर डीपीडीओ को एमओडी को भेज देंगे। और तीसरा ऑप्शन है आंदोलन करेंगे, धरना देंगे। एक बार धरना अगर देंगे तो प्रेस तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मतलब डीपीडीओ को देना ही पड़ेगा ये पैसा। अगर प्यार मोहब्बत से दे देगा तो अच्छा है, नहीं तो सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली हम टेढ़ा कर देंगे, क्योंकि हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, ये उनका हक है। दोस्तों मैं फिर से अपील कर रहा हूं, ऊना डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी एक्स सर्विसमैन भाई है प्लीज हमारे मदद करो, ताकि कल को अगर आपके परिवारों के साथ भी हो सकता है ऐसे ही उस टाइम भी हमें आना पड़ेगा। तो इसलिए आज अगर आप किसी को मदद करोगे वो कल आपको कोई मदद करेगा। मेरा टेलीफोन नंबर है 9962100315। फिर से बता रहा हूं, मेरा नाम मोहन रंगन, मेरा फोन नंबर 9962100315। और 8, 9, 10, 11 चार दिन का प्रोग्राम है, और हमारे हिसाब से अभी ये तकरीबन 450 का लिस्ट है। ये हो सकता है और भी बढ़ सकता है, क्योंकि अभी बैंक का लिस्ट हमने नहीं निकाला क्योंकि हमें मालूम नहीं है। जितना डीपीडीओ से है उसी के बराबर बैंक से भी हो सकता है, तो इसलिए आप लोग अपने जो वीर नारिया है उनके उनको मदद करने के लिए आगे आ जाओ। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।